हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2। तो अब हम डायरेक्टली फ्रेट मार्केट पे आ गए हैं। फ्रेट मार्केट में हमारे पास हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ये इस पेज पे अवेलेबल हैं। तो आप देखेंगे ट्रैक्टर हमें हाईएस्ट दे रहा है अराउंड 8000 यूरोज, लेकिन इसमें फेरी प्राइस 677 यूरोज है, जो कि शायद हमारे पॉकेट से कटेगा। तो ये 8000 का हो गया 7400। तो ये आई थिंक पॉइंट नहीं है लेके जाने का, इसमें हमारा फ्यूल भी कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है 237। सेकेंड हमारे पास हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है वो है बिग बैग्स ऑफ सीड्स, आर्टिकुलेटेड ट्रेलर है ये, एक हैवी कार्गो है, 30 टन्स है और ये हमें डेनमार्क में ही घुमाएगा। सो आई थिंक मैं ये चूज़ करने वाला हूँ, बाकी सारे जो है वो लो पेइंग जॉब्स हैं और ये जल्दी पूरी भी हो जाएगी, 218 किलोमीटर की जर्नी है। तो चलो GPS पे डेस्टिनेशन सेट करते हैं। मैंने ये ऑप्टिमाइज वाला जो चीज़ था ये चेक किया एंड इससे ज़्यादा हैवी कार्गो हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं कोई अपग्रेड नहीं है। तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। मैं अभी एक्चुअली रिपेयर शॉप पे ही आया था लेकिन कुछ रिपेयर करने का था ही नहीं, इसी बहाने मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। तो एक बार हम फ्यूल भर लेते हैं एंड हमारे पास अभी 317 किलोमीटर का फ्यूल है, बट हमें और ज़रूरत तो पड़ेगी। सो पहले फ्यूल भर लेते हैं एंड फिर वापस जाते हैं हम अपने ट्रेलर पिक करने। मेरे को याद नहीं है बिल्कुल भी क्या प्राइस था, आई थिंक अराउंड 1.3 था सब जगह, यहाँ पे पता नहीं कितना प्राइस होगा। यहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, भरवा लेते हैं 100 यूरोस का, देखते हैं 100 यूरोस में कितना आता है। 87 लीटर्स आई थिंक बहुत है, 1100 किलोमीटर दिखा रहा है, कर लेंगे हम कवर। मेरा यही मकसद है कि हम जल्दी से लेवल 10 पे आ जाएं एंड फिर आपको पता ही है ट्रक कितना कुछ है अपग्रेड करने के लायक, ट्रेलर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पता भी चल जाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है अपग्रेड के लिए। ज़्यादा दूर तो नहीं लग रही है जगह मुझे, स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ता होता है तो बस जल्दी कवर हो जाता है, उसकी चिंता ही नहीं है। बाई चांस कुछ नया जॉब हो तो पता चल जाएगा। तो 75 हाईएस्ट ये है, ओ माय गॉड, लोकोमोटिव ट्रेन, लेकिन 61 टन्स, ये तो पुल ही नहीं कर पाएगा, कोई पॉइंट नहीं है इसको लेके जाने का। हाईएस्ट पेइंग तो इनफैक्ट पर किलोमीटर यही दे रहा है और गैस पाइपलाइन पार्ट्स, बट नोप, हम यही ट्राई करेंगे। अभी इसमें सब में फेरी डिस्टेंस फेरी प्राइस लग रहा है, तो चलो टेक जॉब 218 किलोमीटर 7500 यूरोस। साइड में लोकोमोटिव दिख रही है मुझे, जब ट्रक्स हमारे पास बड़े बड़े होंगे, अच्छे अच्छे होंगे, हम तब वही चलाएंगे। चलो ये हो गया है अटैच एंड हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा ब्राइट है लाइट्स, तो IKEA का रिप ऑफ, देखो कितना ब्राइट है।
मस्त लग रही है। काफी डेंजरस कैमरा मोड है ये, नंबर 8 से एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं देखने के लिए, लेकिन ये हमें बड़े गलत एंगल्स पे शो कर रहा है ऐसे। अब इसके बाद इतने आगे चला जाएगा फिर मैं क्या करूँगा? ये काफी इंटरेस्टिंग है। बेस्ट तो मुझे इंटीरियर ही लगता है। रेन प्रोबेबिलिटी मैंने आधे से कम करी थी, तभी अभी तक एक ट्रिप में तो बारिश हुई नहीं। मौसम थोड़ा अंधेरा वाला तो है, सुहावना मौसम है, लेकिन क्लाउड्स अच्छे हैं, डार्क क्लाउड्स, एंड यहाँ तो सनसेट हो रहा है। सनसेट ही हो रहा होगा, टाइम क्या हो रहा है इसमें? 9:19। ओ सनसेट तो कब का हो चुका है। तो ये भी हमारा डुअल ट्रेलर्स हैं, डबल ट्रेलर्स, काफ़ी सारी डबल ट्रेलर्स की ट्रिप मिल रही है आजकल हमें, अच्छी बात है। सिंगल ट्रेलर्स तो हम काफ़ी चला चुके हैं। ये है E45, आई थिंक हाईवे का नाम है। काफी नैरो है। बहुत ही ज्यादा नैरो है। कोई नहीं आ रहा, सेफ।
काफी अनोइंग था ये। जो सामने वाला ट्रक है इसने जाना ही नहीं है, और लेफ्ट वाली जो बस है वो भी नहीं जा रही थी। जब गाड़ियां आने लगी तो थोड़ा चेंज हमें दिखा। स्ट्रगल कर रहा है ट्रक। सामने वाला जो ट्रक है उससे तो हमें ओवरटेक करना पड़ेगा, वरना फिर कहीं पे हम फंस जाएंगे। पिकअप में तो टाइम लगता है। काफी ब्रॉड रोड्स हैं, तीन लेन की रोड्स हैं। काफी स्ट्रगल हो रहा है। 50 किलोमीटर भी नहीं, 50 किलोमीटर पर आवर भी नहीं कवर कर पा रहा ट्रक। अगर मैं लाइट लोड पिक करूंगा 10 टन्स के, तो बहुत जल्दी डिलीवर हो सकता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा हुआ हमने 60 टन्स वाला अभी वो लोकोमोटिव नहीं उठाया, पता नहीं क्या होता फिर। नाइस, ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। आगे राइट टर्न आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस ट्रक को, आपको पता है ये वही ट्रक है जो हम पीछे ओवरटेक नहीं कर पाए थे, अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। चलो बाय बाय, यूजलेस ट्रक था वो। ओडेंस डिस्कवर्ड, ओडेंस एरिया का नाम काफी यूनिक है, ओडेंस। स्लो डाउन इसलिए किया क्योंकि लो क्लियरेंस है ट्रेलर की, इशू हो सकता है। एंड स्ट्रगल के बाद फाइनली ट्रक चढ़ गया। ये भी डिलीवरी करने के है क्या? पता ही नहीं चलेगा ये रूम अराउंड करते हैं या डिलीवर करते हैं। आपने सोचा कभी? नोप, आई डोंट थिंक सो किसी ने सोचा होगा कि जो ट्रक्स होते हैं एक्स्ट्रा एआई वाले, ये क्या करते हैं। तो हम ड्रेकर ट्रांस आ चुके हैं, जहाँ पे इस ट्रक को हमने छोड़ देना है।
काफी टायरिंग लगी मुझे 200 किलोमीटर फॉर सम रीजन. एलबॉक्स ऑडेंस 123 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम्ड. हमने 100 यूरोस का भरवाया था एंड में 7504 239 एक्सपी. तो अभी हम 10,000 एक्सपी पे आ चुके हैं. अभी हमें 1100 एक्सपी के करीब और चाहिए, फिर हम लेवल 10 हो जाएंगे. एक बार हम प्रोग्रेस हिस्ट्री देख लेते हैं. तो हमने टोटल ड्रिवन डिस्टेंस हो गया हमारा 9389 किलोमीटर्स. फ्री रोम हमने 1400 किलोमीटर का किया और 8000 हमने ड्यूटी पे लगाया है. 47 डिलीवरीज कर चुके हैं हम. 12% रोड हो चुके डिस्कवर. गेम टाइम 13 दिन दिखा रहा है, लेकिन जो असली हमने खेला है प्लेइंग टाइम वो हमारा 14 आवर्स का है. तो एक बार हम देखते हैं लोन का क्या हाल चल रहा है. सो अभी हमारे पास 337,000 और लोन बाकी है. अभी हम 289 पे हैं, अभी भी एलिजिबल नहीं हैं हम. इंटरेस्ट रेट 12% पे जा रहा है, 5788. सो नॉट रियली अ गुड थिंग एज ऑफ नाउ. कोई बात नहीं, नया ट्रक लेंगे तो हो जाएगा. एक्चुअली ट्रेलर परचेस पे मैंने देखा 2 ट्रेलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक ये 30,000 यूरो वाला, एक 33,000 वाला है. तो लेवल 10 पे अगर आप देखोगे तो इस पेज पे 2 अनलॉक हो जाएंगे, इस पेज पे भी 1 अनलॉक हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे. एक स्टील फ्लोर फ्लैट बेड और एक कर्टन साइडर, एक वुड लॉगर. तो इसमें ये पता चलता है कि कितना वेट उठा सकता है. अब ये टेयर वेट कह रहा है कि 5,300 किलोमीटर उठा सकता है, और ये 5,800, और ये कार्गो है जो जनरल और ड्राई गुड्स के लिए. ये जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल्स उठाता है. तो आगे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग और मिल सकता है. इवन तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कुछ अच्छा पिक कर सकता है ये. तो ये हम ऑब्वियसली बाद में देखेंगे, तो इसको अभी परचेस नहीं करेंगे, लेवल 10 पे आने दो. एंड ड्राइवर मैनेजर में तो हम ही लगे हुए हैं कब से अकेले चलाने में. रेटिंग हमारी 5 स्टार है, वेरी नाइस. ये हमारी स्किल्स. एवरेज हम 9,000 यूरोज एक दिन का निकाल रहे हैं एवरेज पे. हमारी लंदन में एक ट्रक, एक ड्राइवर, वो हम हैं. ये हमारा ट्रक जो भी हम चला रहे हैं. रिक्रूटमेंट एजेंसी हम ऑब्वियसली बाद में करेंगे जब हम एक और ट्रक खरीद लेंगे. तो यहाँ पे ट्रक डीलर्स देखते हैं, क्या ट्रक डीलर यहाँ कोई है आसपास. डेनमार्क में कोई ट्रक डीलर नहीं है. ओके, ग्लासगो में एक था, हमने आई थिंक वो विजिट नहीं करा अभी. एंड यहाँ कार्डिफ में एक है, हमने वो भी डिस्कवर नहीं करा. लेकिन यूके में 2 ही थे, बाकी सारे हमने डिस्कवर कर दिए. डेनमार्क में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक कोपेनहेगन में है. ओके, एंड बाकी तो जर्मनी में तो भर रखे हैं. फ्रांस में भी एक रह गया, कोई बात नहीं, हम बाद में कवर करेंगे. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, कोई सजेशन है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.